शहर मुहर्रमुल हराम में शादी ब्याह शरण जायज है, इसके लिए हवाले हैं। अगर है तो क्या फिर भी इसे रिवाजन मुहर्रम के तकद्दस के मनाफी समझना ठीक है? मुहर्रम के तकद्दस के मनाफी समझना तो गलत है, इसलिए कि कोई शय ही नहीं। इस शय को तो यानी जब वो मामला हुआ था वाकया मेरा, तो शिया उलमा ने भी कहा कि हराम नहीं है, हम नहीं कहते कि हराम है, नाजायज़ है, ये कहा उन्होंने। तो ये तो दर हकीकत एक चीज़ है कि जो रिवाज उसका पड़ गया है। तो मैंने तो ये कहा था कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत मुहर्रम में हुई, हज़रत हमज़ा की शहादत जो है वो शव्वाल में हुई, और शव्वाल में आप शादियाँ करते बेताशा। हज़रत मुसअब बिन उमैर की शहादत हुई, हुज़ूर ज़ख्मी हुए, 70 सहाबा जो है वो उसमें शहीद हो गए, जिनमें हज़रत हमज़ा और हज़रत मुसअब बिन उमैर जैसी शख्सियतें मौजूद थी। अगर यानी खाके करबला पर भी अगर ये इतनी तादाद में जाम शहादत नोश किया है, बच्चे भी बड़े भी, तो वहाँ तो ये कि 70 जो हैं सहाबाए किराम हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये कि ये कहाँ है कि उस शव्वाल के महीने में आप शादी नहीं कर सकते, गज़वा उहद शव्वाल में हुआ है। तो ये चीज़ें एक गलत तासुर है कि जो ज़हन पे कायम हो चुका है, और इसमें कोई भी इसके गलत होने यानी इसके लिए हराम होने के लिए जवाज़ के लिए हवाले दरकार है। जवाज़ तो हर शय जायज़ है, इल्ला ये कि वो हराम साबित हो। हमारी तो शरीयत का कि असल जो है वो इबाह है, मुबाह है हर चीज़, इल्ला ये कि उसके लिए कोई ममानियत वारिद हो गई हो, तो जायज़ है, इल्ला ये कि मना किया गया।